तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने YouTube चैनल के लिए एक बैनर बना सकते हो और कैसे बनाना है ये बताऊंगा और इसका साइज क्या है वो भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, YouTube चैनल की बैनर कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप अपने हिसाब से बैनर बना सकते हैं। और दोस्तों, बैनर जो है YouTube चैनल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छा सा प्रोफेशनल जो है, मतलब कि YouTube चैनल है, अच्छा खासा व्यूज़ भी आ रहा है, तो अगर आपको यूनिक दिखना है तो आप यहाँ से जो है एक अच्छा सा बैनर बनाना होगा। और सीखते हैं कि आप कैसे YouTube चैनल के लिए अपना बैनर बना सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है इसका साइज जो है 2560x1440 होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, YouTube चैनल का जो बैनर का साइज है वो दोस्तों 2560x1440 रहना ज़रूरी है। फिर जाकर आप जो है यहाँ पर कुछ भी अगर लगाते हो बैनर बनाकर, तो आपका बैनर जो है नहीं कटेगा। तो दोस्तों, YouTube चैनल के बैनर बनाने के लिए हमें जो है मोबाइल की स्क्रीन पर चलना होगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ टैक्स आएगा, तो आपको जो है ए पर क्लिक करना है और इसे डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। अभी यहाँ पर आपको करना क्या होगा, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, ऊपर देखिए उस पर, और फिर यहाँ पर इमेज साइज उस पर क्लिक करना है, और फिर इस कॉस्ट्यूम पर क्लिक करके यूट्यूब चैनल बैनर उस पर क्लिक करके ओके दबा देना है। तो ये जो है बैनर साइज का हो गया। अब सिंपली हमें करना क्या होगा, आपको जो है अभी एक टैम्पलेट यानी कि टैम्पलेट डाउनलोड करना होगा जो कि यूट्यूब चैनल बैनर का। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, गूगल पर जाना है, क्रोम ब्राउजर पर, और वहाँ पर सर्च करना है यूट्यूब चैनल बैनर टैम्पलेट्स, और फिर इमेज लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको जो है डाउनलोड कर लेना है कोई सा भी एक बैनर को। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इस बीच वाले ऑप्शन को क्लिक करना है जो कि हेक्सागन बोलते हैं, और फिर यहाँ पर इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर जो है आपने जो डाउनलोड किया है उसे जो है इसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए, मैंने डाउनलोड किया था पहले से ही, तो मैं यहाँ से उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला चीज़ जो है मैंने डाउनलोड किया था। अब यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है, नीचे देखिए। राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए स्क्रॉल जो है साइड कर लेना है, पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, फिर रिलेटिव साइज को जो है चूज़ करके यहाँ पर 100% कर देना है, और फिर राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर कहीं पर भी छूना नहीं है। सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और फिर से लेयर पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद ये जो चीज़ है अब नहीं हिलेगा, ये जो चीज़ है लॉक हो गया है। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको जो है कहाँ पर लिखना है और कहाँ पर नहीं लिखना है। तो सिंपली आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक एरिया है यहाँ पर ही हमें लिखना होता है, ये ब्लैक एरिया है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है, फिर से आपको जूम पर क्लिक कर देना है ताकि ये जो है नॉर्मल पोजीशन पर आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे देखिए। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है इसे छोटा बड़ा करना है, और इस तरीके से जो है इसे थोड़ा सा लगा देना है कुछ इस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एरिया में, ठीक है। और फिर ये जो ओपेसिटी है इसे पूरा का पूरा जीरो कर देना है, और यहाँ पर जो स्ट्रोक है 1 2 3, ठीक है, 3 कर देना है। और यहाँ पर ये जो मतलब कि कोई सा भी कलर को चूज़ कर लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतने में ही हमें जो है सब कुछ लिखना है। तो यहाँ पर चलिए कुछ लिख देते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर ए वाले सेक्शन पर जाना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर जो है एडिट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर जो है मैं कुछ लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ से कोई सा भी एक जो है फॉन्ट्स चूज़ करना है। फॉन्ट चूज़ करने के लिए साइट पर ऐसे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर फॉन्ट्स पर क्लिक करना है। फॉन्ट्स पर क्लिक करने के बाद कोई सा भी एक फॉन्ट्स यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये वाला फॉन्ट्स को जो है चूज़ कर लिया है। तो चलिए इसे ओके कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर जो है इस तरीके से इसे लगा देना है अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कलर चूज़ करना है। कलर चूज़ करने के लिए यहाँ से लेफ़्ट टू राइट करके आपको चेक कर लेना है कलर कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए कलर यहाँ पर है, तो इस पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके ये इस वाले कलर को मैंने चूज़ कर लिया। आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर लीजिएगा ताकि ये जो चीज़ है थोड़ा सा अच्छा दिख सके। आप जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाओगे उतना ही ज़्यादा आपका बैनर अच्छा लगेगा। ओके, तो अभी हमें सिंपली करना क्या होगा, इसे जो है इसे भी एक कलर दे देना है,
तो इस पर क्लिक करना है आपको, इस जो मतलब कि हमने जो लाइन खींचा है उस पर, और बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से स्क्रॉल करना है और इस कॉलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद मल्टी कॉलर आप दे दीजिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है। ये मैंने खुद ही से बनाया है। खुद से बनाने के लिए आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होता है और ऐड करना होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप ऐड करके कर सकते हैं। तो हमने कर दिया, अभी राइट पर क्लिक करा, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी जो है हमें एक चीज़ करना है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर लेयर पर क्लिक करेंगे और लॉक वाले जो नीचे जो आइकन है उस पर क्लिक कर देंगे, यानी कि आई का आइकन, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो चला जाएगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, अभी यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड का ऑप्शन है जो लेयर जैसा दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इमेज पर क्लिक करना है, चाहे तो आप अपना इमेज भी दे सकते हैं किसी, अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पर मैं यहाँ से जो है इनबिल्ट वाला है जो कि पहले से था, तो इसे जो है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर राइट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर कोई सा भी एक फ़ोटोज़ दे देना है जो कि अच्छा दिखेगा। तो इस फोटो देने के लिए आपको जो है बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इम्पोर्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ जो है डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इस वाले फ़ोटो को मैंने चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद यहाँ से आपको जो है सेटिंग्स वगैरह कर लेना है, थोड़ा सा क्रॉप वगैरह करने के बाद यहाँ पर जो है राइट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से मैंने सेटिंग कर लिया है, अभी राइट पर क्लिक कर देते हैं और फिर इसे जो है थोड़ा सा छोटा कर लेना है, ठीक है। इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। ध्यान रहे हमें जो है इस लाइन के अंदर ही लिखना है, इसीलिए मैंने एक लाइन बना दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसे जो है स्ट्रोक तो नहीं देंगे क्योंकि बहुत छोटा है, तो हमें जो है यहाँ पर साइड स्लाइड करते हुए ले जाना है और यहाँ पर शैडो पर क्लिक करना है और यहाँ पर इनेबल कर देना है और यहाँ पर वाइड वाला या फिर इस वाले को जो है सिलेक्ट करना है, शायद वाइड वाला ही अच्छा दिखेगा, तो हमने वाइड वाला को चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर और टैग्स लगा देंगे। तो अपने हिसाब से आप जो है टैग लगाओगे, इसे लोग जो है डायलॉग बोलते हैं, कई लोग टैग बोलते हैं, कुछ भी। जैसे कि यहाँ पर मैं वन स्टेप फॉर टेक्नोलॉजी भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करूँगा मैं, यहाँ पर सिर्फ लिख दूँगा सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, ऐसा कुछ लिख दूँगा सब्सक्राइब फॉर मोर, ठीक है। इतना लिख देने के बाद यहाँ पर इसे जो है हम लगा देंगे। तो इसे जो है हमें फिर से फॉन्ट्स पर आपको आना है, यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, सॉरी लेफ्ट राइट करते हुए आपको जो है कोई सा भी एक जो है फॉन्ट्स को चूज़ कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस वाले को चूज़ कर लेता हूँ जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं सिलेक्ट कर लिया है, जो कि ये भी थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कोई सा भी एक जो है, तो यहाँ पर मैंने जो है येलो कलर को चूज़ करने के लिए जो है यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर का हमने चूज़ कर लिया है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों वो येलो कलर को मैंने चूज़ कर लिया है। तो अभी यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर और इमेज लगा सकते हैं, जैसे कि कोई लोग व्हाट्सएप वगैरह इमेज लगाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम का इमेज लगाते हैं, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब का इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो है यूट्यूब का इमेज डाउनलोड किया था, तो मैं यहाँ पर जो उसे लगा देता हूँ अभी। तो यहाँ पर है मेरा यूट्यूब का इमेज और ये रहा यूट्यूब का इमेज, और इसे जो है मैं यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप करने के बाद इसे जो है राइट पर क्लिक कर देता हूँ। राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है हमें ये जो मतलब व्हाइट लाइनिंग दिख रहा है उसे हमें जो है इरेज करना है। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्लिक करना है, मैं पहले दिखा देता हूँ। पहले आपको जो है यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है इरेज कलर, उस पर एक बार आपको क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद प्लस पर एक बार क्लिक करना है और ये ड्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो व्हाइट लाइनिंग है, जो व्हाइट वाला जो कलर है, उस पर क्लिक करके राइट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर थोड़ा सा ड्रैग करना है और यहाँ से स्ट्रोक को इनेबल कर देना है, ताकि ये जो है थोड़ा सा अच्छा दिख सके। अब यहाँ पर करना क्या होगा, सबसे पहले मैं चले आना है और यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड डाउन करना है, मतलब कि लेफ्ट करना है, और यहाँ पर देखिए ये जो मूव बाय लिखा हुआ है, मैं फिर से दिखा देता हूँ, पोजीशन, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है आपको स्लाइड करना है, ठीक है, पोजीशन, और फिर यहाँ से ओके कर देना है। अभी यहाँ पर रिलेटिव जो साइज लिखा हुआ है, उस साइज को थोड़ा सा छोटा कर देना है। अपने हिसाब से आप जो है इसे कर सकते हैं, या फिर आप इसे यहाँ पर जूम करके जो है इस तरीके से जो है आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से जो है इसे लगा देना है और फिर इसे जूम आउट पूरा का पूरा कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया है और यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लिखने के बाद अभी यहाँ पर आपको जो है
सेव एज इमेजेस कर लेना है और यहाँ पर सेव टू गैलरी करते ही आपका जो मतलब कि फोटोज है वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप इसे जो है कहीं पर भी जो है YouTube के जो बैनर है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगर आपको YouTube बैनर कैसे लगाते हैं नहीं पता है तो आपको एंड स्क्रीन पर यहाँ पर वीडियोस मिल जाएगा जहाँ से आप जो है यहाँ पर अपना बैनर लगा पाएंगे अपने YouTube चैनल के। तो इस तरीके से जो है आप बैनर बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। अगर आपको ऐसे YouTube रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।